आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस पिज्जा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसमें खास बात यह है कि मैंने इसे बेक करने के लिए कोई तरह का ओवन का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसे बेक किया है कढ़ाई में और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग इस पिज्जा को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बड़े से बाउल में आधा कप दूध ले रहे हैं। इस पिज्जा को हम लोग ईस्ट से बनाने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ हल्का गुनगुना गरम दूध लेना है ताकि ईस्ट हमारा अच्छे से प्रूव हो पाए। इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच चीनी और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून से डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो बार डाला है। इसके बाद हम लोग इसमें दो छोटी चम्मच ईस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है और आप विदाउट ईस्ट वाला पिज्जा की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए प्रूव होने के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर सा जम गया है, ये निशानी है कि आपका ईस्ट अच्छे से प्रूव हो चुका है। अगर 5 मिनट बाद भी दूध के ऊपर इस तरह से कुछ नहीं दिखे तो आपको आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि तब आपका पिज्जा अच्छा नहीं बनेगा। ईस्ट के प्रूफ हो जाने के बाद अभी हम लोग इसमें डालेंगे दो लहसुन की कलियां जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और मैदा। मैदा यहाँ पे हम लोग 1 कप प्लस 1/4 कप लिए हैं। इतने आटे से हमारा दो पिज्जा आराम से बन जाता है और अगर आप एक पिज्जा बना रहे हैं तो क्वांटिटी को आधा कर लें। इसके बाद हमें सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देखिए इसे मिक्स कर लेने के बाद ये बहुत ज्यादा सूखा लग रहा है। तो इस वक्त अभी हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा दूध या फिर पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अभी हमें इसे गूंथते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है और अभी आप देखेंगे तो आटा बहुत ज्यादा गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसे इस तरह से मसलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आटा चिकना होता जाएगा और ये जो अभी स्टिकीनेस आप देख रहे हैं इसके अंदर ये भी चला जाएगा। तो आटे को अभी हमें खूब अच्छे से हमारे हथेलियों की मदद से मसलते जाना है। आटे को मसलते हुए हमें लगभग 2 मिनट के करीब हो चुका है। तो इस वक्त अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक बड़े चम्मच बटर। बटर यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर पर है और इसको भी हम लोग थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये आटे के साथ अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम लोग फिर से 4-5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मसल मसल कर गूंथ लेंगे। तो ये देखिए अभी हमें इसे गूंथते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा आटा कहीं भी नहीं चिपक रहा है, मतलब ना ही मेरे हाथों में और ना ही मेरे वर्किंग सरफेस पे। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो गया है। तो अभी हम लोग इसका एक बॉल बना लेंगे और इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और आप अभी देख सकते हैं कि हमारा आटा यहाँ पे कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह का आटा बना करके तैयार करना है। इसके बाद मैं इसे उसी बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसके साइड्स में हम लोग थोड़े से तेल डालकर उसे अच्छे से फैला देंगे और इसके बाद हम लोग इसे ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा पहले से डबल हो चुका है। तो अभी हम लोग इसे थोड़ी देर के लिए और गूंथ लेंगे और फिर हम लोग इसमें से पोर्शंस निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग आज 2 पिज्जा बनाने वाले हैं, इसीलिए अभी हम लोग इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो एक पोर्शन को मैं ढक करके रख देती हूँ और दूसरे पोर्शन को हम लोग इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसका एक बॉल बना लेंगे। इसके बाद हम लोग कोई बेकिंग ट्रे या फिर इस तरह का कोई प्लेट ले लेंगे जिसमें हमें पिज्जा को बेक करना है और फिर इसे हम लोग थोड़े से बटर के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद ग्रीस की हुई प्लेट में हम लोग हमारे डो पोर्शन को रखेंगे और डो को इस तरह से फैलाते जाएंगे। हमें इसे बीच से पतला और साइड से हल्का सा मोटा रखना है। तो ये देखिए अभी हमने डो को अच्छे से फैला लिया है। इसके बाद हम लोग इसमें इस तरह से छेद बना लेंगे ताकि बेक होते वक्त ये रोटी की तरह ना फूले।
इसके बाद हम लोग इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे। आज हम लोग मार्केट वाला पिज्जा सॉस का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे होममेड पिज्जा सॉस का भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको होममेड पिज्जा सॉस का रेसिपी देखना है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी वीडियो में मैंने चीज का सब्स्टिट्यूट भी बताया है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। इसके ऊपर अभी हम लोग चीज डाल लेंगे। यहाँ मैंने मोजरेला चीज को ग्रेट करके लिया है। अगर मोजरेला चीज अवेलेबल ना हो तो आप इसमें चीज स्लाइस या फिर चीज स्प्रेड भी लगा सकते हैं, या फिर चीज का सब्स्टिट्यूट जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चीज के ऊपर अभी हम लोग टॉपिंग ऐड कर लेंगे। टॉपिंग में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़े से स्वीट कॉर्न्स। आप लोग अपने मनपसंद की कोई भी टॉपिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पिज्जा के साइड्स में थोड़ा सा बटर को ग्रीस कर लेंगे ताकि बेक होते वक्त ये हार्ड ना हो जाए। अभी मैं इसमें और थोड़ा सा चीज डाल देती हूँ ताकि ये और ज्यादा चीजी और टेस्टी लगे। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं एक छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा इस वक्त कितना सुंदर दिख रहा है और अभी ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप नमक और उसी के साथ एक स्टैंड रख करके इसे 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। तो इस वक्त अभी हम लोग हमारे पिज्जा वाले प्लेट को इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे जल्दी से ढक देंगे। और हमें इस स्टेप को बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि इस वक्त कढ़ाई बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। हमें इस पिज्जा को 25 से 30 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेना है। लो मीडियम फ्लेम यानी कि आप गैस को पूरी तरह से कम कर दो, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देना। पिज्जा को पकते हुए लगभग 30 मिनट हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए पिज्जा हमारा कितना ज्यादा टेस्टी दिख रहा है और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। इसके बाद हम लोग इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसके साइड्स में थोड़ा सा बटर को ग्रीस कर लेंगे ताकि इसका साइड्स न सूखे। और बटर लगा लेने के बाद अभी हमारा पिज्जा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मैं अभी इसे आपको काट के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पिज्जा बिल्कुल परफेक्टली पका हुआ है और देखिए हमारा पिज्जा कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं जला है और इसका बेस भी बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।